नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो बना के रखे हुए यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल धार दे रहे होंगे उसमें, और अपनी रिवीजन की प्रक्रिया अब आप शुरू कर दिए होंगे। आशा तो यही करते हैं, क्योंकि डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षुओं का एग्जाम लगा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, सभी प्रशिक्षु रिवीजन पर ज़्यादा करके फोकस करिए। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बात कर लें तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हमने तीन सब्जेक्ट के क्लास लिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। शायद वहाँ से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, आते ही क्या बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप आकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड, डीएलएड थर्ड और डीएलएड फोर्थ। हाँ, सारे क्लास के जो मैथ के दिए गए हैं सभी के महामैराथन हो चुके हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के। जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन हैं वो 13 तारीख को आएंगे आपके सामने 12 बजे, जब भी हम बता देंगे, एक दिन पहले ही आपको आगाह कर देंगे कब लगने वाले हैं क्लास, मतलब किस समय बता देंगे, लेकिन लगेंगे 13 तारीख को। महामैराथन 3 से लगभग 3 ही घंटे का रहेगा आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, आप उसे जरूर फॉलो करेंगे। ऐसे में चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षकों का डाउट है यूपी टेट के रिजल्ट में, हम सारे विषय पर तथ्यात्मक बात करेंगे। आप सभी से विनती है कि आप इस प्लेटफॉर्म को प्यार दीजिए और सभी प्रशिक्षु एक बार लाइक कर देंगे। सी टेट 2022 कब आएगा, स्कूटनी के रिजल्ट कब आएंगे, डीएलएड के डेट सीट के बारे में, एग्जाम डेट क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यूपी टेट के रिजल्ट के बारे में, थोड़े से जो बहुत प्रश्नों के नाम में रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया है तो उसके विषय में बात करेंगे, और किसका यूपी टेट का रिजल्ट रुक सकता है इस विषय में भी चर्चा करेंगे। हम सभी प्रश्नों लास्ट तक बने रहेंगे और एक और आग्रह करेंगे आप सभी से कि जो रोज़ सुबह 9 बजे क्लास आता है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, बाल विकास का, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान, आप उसको देखिए। बहुत बेस्ट तरीके से सारी थ्योरी खत्म की जा रही है छोटे छोटे मात्र वीडियो में, मैराथन समय आने पे लगेगा, ठीक है ना भाई। सबसे पहले बात करते हैं साथी यूपी टेट रिजल्ट से, रिजल्ट में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात है रिजल्ट किसका नहीं आएगा, जैसे गड़बड़ी क्या हुई है बच्चों में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने रिजल्ट में खुद, रिजल्ट सीरीज ABCD जो ABCD करके आपके आए हुए हैं, पेपर आए थे ABCD सीरीज, तो उस सीरीज में देखेंगे तो जहाँ पर आपने कुछ वहाँ पर इनवैलिड लिखा है, इनवैलिड सीरीज इस प्रकार से लिख कर आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है साथी, अगर आपने मतलब इन जो सीरीज चढ़ाना था आपने सीरीज नहीं चढ़ाया, साफ साफ मुद्दा यह है, क्या यह दिक्कत परेशानी थोड़ी सी क्रिएट करेगा आपको सुपर टेट में। तो साथी यहाँ से हम यही कहेंगे कि जो आपका सुपर टेट है उसमें तो शायद ही इस यह वाला रिलेटेड जो सीरीज वाला है इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन हाँ अगर सुपर टेट से पहले पहले अगर आपका एक बार और यूपी टेट होता है तो आप जरूर सम्मिलित होइएगा उसमें। दूसरी बात, दूसरा गड़बड़ी क्या है इसमें यूपी टेट के इस बार रिजल्ट में किसका रुक सकता है, इनवैलिड रिजल्ट जो पार्ट टू है, यानी कि आपका जूनियर वाला जो है यूपी टेट में, जो जूनियर वाले में बहुत बच्चे पार्ट फोर वाले में, जो पार्ट फोर करके है उसमें देखेंगे इनवैलिड रिजल्ट लिख कर आ रहा है बच्चों का, इस वजह से लिख के आ रहा है क्योंकि आपने जो आपका उसमें जो बबल करना था, गोला करना था इनवैलिड, मतलब पार्ट फोर में, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का पता है कि पार्ट फोर में कितनों का साइंस मैथमेटिक्स होता है और कितनों का सोशल होता है, तो सोशल को उन्होंने कलर तो कर दिया है, कितनों ने छोड़ दिया है, कितनों ने मतलब ये ना ही कटे मैथ में, ना साइंस में, ना सोशल में, मतलब दोनों में से किसी को बबल किए ही नहीं, तो इस तरह से अगर आप किसी में बबल नहीं किए हैं तो आपके रिजल्ट रुक सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई, या फिर जो आपके ओमैट सीट थर्ड पार्टी चेक करती है उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रकार से सारी चीज़ें करें हैं, है ना। पहली बात कंप्यूटराइज होता है सारी चीज़ें तो वह हटा ही देगा, आपका रिजल्ट नहीं शो कराएगा, तो ऐसे में आपके रिजल्ट इनवैलिड घोषित होंगे या फिर मतलब कि इनवैलिड हो जाएंगे, और ऐसे में बहुत बड़ा यह प्रॉब्लम होगा सेकेंड वालों के लिए, प्राथमिक के लिए नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कुछ बच्चे जैसे कि लैंग्वेज में जो सेकंड लैंग्वेज करके है उसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में प्रॉब्लम है, तो उनका इंग्लिश लेकिन वह संस्कृत को बबल कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर वह संस्कृत को बबल बना दिए हैं और इंग्लिश वाला पोर्शन वो टच कर दिए हैं, या फिर उर्दू वाला पोर्शन वो टच कर दिए हैं, इंग्लिश को बबल बना दिए हैं, तो ऐसे में उनका रिजल्ट तो रुकेगा नहीं रुकेगा लेकिन वो फेल हो सकते हैं, ऐसे में मे बी रिजल्ट भी रुकने की संभावना बन सकती है, और ऐसे में ये कोई चेंजेस नहीं, आपको दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा बस, यस था फंडा। और चौथा सबसे बड़ा गलती बच्चों ने किया है रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, एक बात हम कहना चाहेंगे, बहुत एक दो प्रशिक्षु हैं जिनका रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दोनों गड़बड़ की वजह से उनका एक तरह से रिजल्ट रुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर में से कोई एक अगर आपका सही है
पूरी तरीके से आपने सही उस पे चढ़ाया हुआ है तो आपके रिजल्ट आने की लगभग 99% चांस बनेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो नहीं आया था, ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिले थे, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर में से अगर एक भी गलत था तो आपके रिजल्ट को रोक दिया गया था। लेकिन अगर पिछली बार की बात करेंगे 2019 वाले में जो एग्जाम हुआ, 2020 में तो हुआ नहीं था, 2019 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें रजिस्ट्रेशन काफ़ी प्रशिक्षुओं का गलत था लेकिन रोल नंबर सही था। कितनों का रोल नंबर ने गलत चढ़ा दिया था तो रजिस्ट्रेशन सही था, तो ऐसे में उनका रिजल्ट आया था, है ना, वो भी मान्य भी था, मान्य भी है वो रिजल्ट। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम इस समय हुआ है किसी प्रशिक्षु के साथ तो बताइएगा जरूर, क्योंकि एक दो प्रशिक्षु हैं जिनका रजिस्ट्रेशन गलत है, रोल नंबर सही है, फिर भी उनका आया है रिजल्ट। जिसका नहीं आया हो वो जरूर इस बात को कहेंगे, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कहना था कि सर वो नंबर गलत हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने कहा था। चौथी बात, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु शामिल तो हुए हैं यूपी टेट के पेपर में लेकिन उनका रिजल्ट सही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है और आपके रिजल्ट भी आ सकते हैं, शो कराए जा सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रशिक्षु एग्जाम में तो जाते हैं देने के लिए लेकिन उनका जो ओमआर सीट होता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा मैनेज किया जाता है, चेक किया जाता है कंप्यूटराइज में किसी थर्ड पार्टी द्वारा, आप ना ही ना ही पीएनपी ना ही एससीईआरटी, किसी तीसरे पार्टी को ठेके पे दिया जाता है, भाई चेक करिए इसको, वो पूरे तरीके से कंप्यूटराइज में चेक करता है। उसी समय क्या होता है कितने प्रशिक्षुओं का ओएमआर सीट मिस हो जाता है, इधर उधर गिर पड़ जाते हैं या फिर खो जाते हैं किसी कारणवश, तो जो थर्ड पार्टी होता है उसको साफ साफ जवाब देकर वो बचना चाहता है कि भैया इनका रिजल्ट सो ही नहीं हो रहा है, मतलब कि रिजल्ट वहाँ से हटा दिया जाता है आपका, केवल और केवल आपका नाम, मतलब कुछ भी नहीं सो होगा, आपको वहाँ से हटा ही दिया जाएगा, बस फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वही सो होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका रिजल्ट वापस आ सकता है, आप क्लेम करेंगे पहले पीएनपी पर, अगर पीएनपी पर आपने नोटिस दे दिया, लिखित दे दिया कि भाई हम शामिल हुए थे लेकिन रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है, नहीं सो हो रहा है, तो ऐसे में कुछ आप एक तरह से कुछ एक्शन लीजिए। अगर वो एक्शन न लेते हैं दिए गए समय के अनुसार तो आप सीधे कोर्ट जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह फंडा था, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कितने प्रशिक्षु का कहना है सर यूपी टेट में हमारा नाम गलत है, हमारा रोल नंबर गलत है, हमारा कैटेगरी गलत है, धर्म गलत है, है ना, इसमें क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है संशोधन, लेकिन केवल यूपी टेट में, सीटेट में नहीं, सीटेट में आपको दूसरा पेपर तो देना ही पड़ जाएगा अगर ये सब सारी गलतियाँ उसमें देखने को मिलती हैं। हम आपसे यही कहेंगे साथी, आप ग्रेजुएट हो, आप अच्छे कैटेगरी के बच्चे, मतलब अच्छे पढ़ने में, कैटेगरी का मतलब हमारा मतलब होता है साफ साफ कि पढ़ने में अच्छा, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और प्लस आप डीएलएड किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, बहुत सारे बच्चे एमए मतलब कि एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी डीएलएड बीएड करते हैं, तो ऐसे में आप लोग गलत कम किया करें, या फिर साइबर वाले एक गलती करते हैं तो उनको बताइए, या फिर साइबर पर आप खुद बैठ कर भरिए फॉर्म को। तो ऐसे में अगर आपका नाम, रोल नंबर, कैटेगरी या कुछ भी पापा का नाम, मतलब कुछ भी जो चीज़ें आपने फिलअप किया है गलत हुआ है, तो ऐसे में आप शिक्षक भर्ती से छट सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके पहले लेकिन 6 महीने का आपका नसीहत देगा, वो बोलेगा भाई 6 महीने में आप इसको किसी तरह सही करा के लाओ, तो आप जा सकते हो अपने पीएनपी कार्यालय या फिर अपने डाइट संबंधी जो भी जहां भी चेकिंग होती है, वैसे डाइट पे ही होता है शायद, तो इसको आप सही करा सकते हो, लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि सुपर टेट आते आते आपका एक बार यूपी टेट 2022 और हो, तो आपको यही नसीहत देंगे हम कि एक बार और आप यूपी टेट के पेपर दे लेंगे। यह रहा सारा का सारा यूपी टेट का खेला, लेकिन हमको खुशी होती है कि हमारे प्रशिक्षु जब हमसे पढ़कर 115 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर ऐसे ऐसे लाए हैं, आप देखेंगे कमेंट में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 95 नंबर, 98, मतलब मैक्सिमम बच्चे पास भी हुए हैं, कुछ पास तो हैं लेकिन सेकंड सेमेस्टर में उनका बैक है, तो ऐसे में वह एक तरह से मायूस हुए हैं, लेकिन मायूस नहीं होने की जरूरत है, आप इस बार देंगे अच्छा नंबर आएगा। हिम्मत मर्दा तो मदते खुदा कहते हैं ना, हिम्मत करते रहिए हर चीज़ हार जाएगी, हिम्मत से लड़ते रहिए हर चीज़ हारेगी और घुटने टेकेगी आपके सामने, बस लड़ते रहो साथी। डीएलएड क्या यार, निकलेगा इस बार निकलेगा, देखना बहुत अच्छे नंबर से निकलेगा और बहुत अच्छे अंक से पास होगे। और ऐसे में जो बच्चे सीटेट में कहते हैं सर मेरा 40 नंबर है, 47 नंबर है, तो बता तो रहे हैं उनका बहुत अच्छा नंबर आएगा, सच बता रहे हैं दिल से, बस एक बार लगे रहो, सारी चीज़ें भर कर देंगे, हर एक चीज़ देंगे। सीटेट का क्लास सीडीपी में देखिए चल रहा है, अभी मैथ का हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे 16 से, तो उसमें सीटेट का मात्र 15-16 दिन में मैथ खत्म कर देंगे हम, टॉपिक वाइज पढ़ाकर मैराथन भी लेकर, तो फिर ईबीएस स्टार्ट करेंगे सीटेट का, मतलब कि आपको जुलाई तक बिल्कुल भी हम धुरंधर बना देंगे, मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए सीटेट 2022 कब तक आ रहा है साथी, आपको पता है सीटेट साल में 2 बार होता है और यूपीटेट साल में 1 बार होता है, ऐसे में कोरोना काल आया था तो सीटेट 1 बार हुआ था और प्लस यूपीटेट तो सुहा ही हो गया था,
पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, जंगल वंगल में भाग गया था, किसी पेड़ टहनी होने पर चढ़ गया था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उतरा किसी तरह तो सीटेट यूपीटेट का रिजल्ट हुआ, आप देख रहे हो 6-7 महीने पूरा प्रोसेस हो गए, अब जाकर रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, बस 22 लाख बच्चे थे उसमें, 22 लाख से 18 लाख ही बच्चे थे, और प्लस और सारे वेबसाइट पर देखो जो सेंट्रल लेवल का होता है उसमें करोड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन वेबसाइट कितना क्लीन और मतलब नीट और क्लीन चलता है, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। ये लोग, पहली बात है 100 रुपये का जो फॉर्म भरा जाता है कितना बेहतरीन चलता है, ये लोग लेते हैं 1600 और खच्चर हुए हैं बिल्कुल ही, पता है इनका वेबसाइट बिल्कुल खच्चर है, मतलब ये 50 रुपये तक का, 50 रुपये तक मतलब 50 रुपये का भी काम नहीं करता है, इतना कर लो, समझ रहे भैया। देखो आप रेलवे का वेबसाइट देख लो, अभी अभी रेलवे का एग्जाम होगा ग्रुप डी का, देखना करोड़ों बच्चे भरे हैं, लेकिन कितना नीट और क्लीन चलेगा आप सोच भी नहीं सकते, मस्त तरीके से चलेगा। 3-3 सर्वर दे देते हैं लोग, पहली बात है इनका एक सर्वर लाओ और प्लस उसी में मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, या बस हम लोग से लूटना चाहते हैं, लूट लो जितना लूटना है, हम तो हैं ही अमीर ज्यादा के बच्चे है ना, क्या ही करना है फिर। तो ऐसे में सीटेट 2022 साथी, हम बता देते हैं आपको, अगर होता है 2022 में सीटेट दो बार होगा तो जरूर होगा, लेकिन अगर दो बार होता है, क्योंकि इस बार प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो गया, सीटेट अगर दो बार होता है तो मार्च और अप्रैल तक, मतलब अप्रैल लास्ट तक आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो ऐसे में अप्रैल अभी बीता नहीं है, पूर्ण संभावना है कि 15 तक आपके नोटिफिकेशन या फिर कुछ ऐसे हमको जरूर सूचना मिलेगा कि हाँ सीटेट 2022 जुलाई वाला होगा। अगर जुलाई वाला होता है तो ऐसे में अप्रैल लास्ट तक आपके सामने नोटिफिकेशन आएंगे और आप लोग फॉर्म भी एक महीने के अंदर फिलअप कर देंगे, ऐसे में जुलाई में एग्जाम होगा और अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा जो होता है नवंबर के आसपास में होता है, यूपीटेट के साथ होता है साथियों, समझ रहे हमारी बातों को। तो आप लोग अभी से लग जाइए सीटेट का, सीटेट के लिए सीडीबी की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चला रखा है, मस्त तरीके से सिद्धांत वगैरह सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लगभग 22-25 क्लास भी हो गए हैं, छोटे छोटे क्लास हैं, आप कभी नहीं उबेंगे, बिल्कुल बिना बिल्कुल मतलब टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें की जा रही हैं। आप देखिए एक एक प्रश्न उसी वीडियो में से आएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, चाहे आप सीटेट दें, चाहे यूपीटेट दें, चाहे अनेक जो आपके डीएसएसबी वगैरह एग्जाम होते हैं, केवीएस होते हैं, प्लस सुपर टेट होते हैं, जितने भी बैठे हैं आप सब में वहीं से प्रश्न आएंगे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भैया, पता चल गया, और यूपीटेट एक बार आता है साल में तो उसका लगभग कह लीजिए कि अगस्त में इन्होंने कहा है कि भैया प्रोसेस हम बहुत इस बार जल्दी कराएंगे, मतलब कि अगर पिछली बार अक्टूबर के आसपास में नवंबर फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त के आसपास में नोटिफिकेशन आया था, कब आया था शायद नवंबर में, 28 नवंबर वाला जो टल गया था पेपर, कैंसिल हो गया था, लगभग एक महीने बाद दो महीने बाद एग्जाम कराए थे, मतलब कि कह लीजिए कि आपके लगभग दो महीने पहले, यानी कि नवंबर अक्टूबर जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अगस्त के आसपास में आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं यूपीटेट के इस बार। तो हो सकता है जल्दी, क्योंकि इन्होंने कहा है साफ साफ अपने बयान में कि इस बार हम प्रोसेस सारा जल्दी करेंगे, यूपीटेट का भी प्रोसेस जल्दी कराएंगे, अगर इनको सुपरटेट ना कराना हुआ तो यूपीटेट पर बिल्कुल फोकस करेंगे साथी। और ऐसे बहुत कम उम्मीद लग रहे हैं कि सुपरटेट के एग्जाम हों, हम तो ये नहीं कहेंगे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मामला, मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन इतना उलझा हुआ है सारी चीज़ें 69,000 को लेके, प्लस यहाँ बीएड बीएसटीसी को लेके सारी चीज़ें उलझा हुआ है, तो इस तरह से देखने में थोड़ा सा संभलने में सारी स्थिति थोड़ी सी विलंब अगर होती है तो शायद ही इस बार, मतलब सरकार भी यही चाहती है कि ना दे, क्योंकि वो आगामी 2024 के भर्ती को देखकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर भर्ती देने वाली है, और लगभग 2023 के मिड तक बिल्कुल सांत्वना बनाकर रहें, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, जुनून के साथ, जुनूनियत के साथ टेस्ट सीरीज वगैरह, अगर ना भी टेस्ट सीरीज तो अभी थ्योरी भी ध्यान दे दीजिए, फोकस कर लीजिए, मस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए साथी। डीएलएड एग्जाम डेट शीट की बात कर लें, अगर डीएलएड एग्जाम डेट शीट की बात करते हैं साथी, तो डीएलएड एग्जाम डेट शीट तो आ ही चुका है, उसी डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे, जो भी थोड़े से है ना दिमाग के घूमे हुए लोग है ना आ जाते हैं किसी तरह कमेंट करने, फिर किसी प्रशिक्षु को बकाने, कुछ मतलब कि समझ रहे हो, उनको एक तरह से अपने तो कुछ पढ़ना नहीं है, और प्लस दूसरों को आ जाते हैं कि भाई अब पढ़ो मत, एग्जाम का डेट टलेगा, ये क्या बात है भैया, कौन लिंक वंक है क्या, बताओ तो फिर हम बात करें सचिव सर से, कौन लिंक है, बहुत बड़ा मतलब प्रोसेस है आपका, या फिर आप मतलब सचिव के घर के हो क्या, मतलब क्या ही हो आप बताओ, फिर चाहे जो भी हो, तो ऐसी न्यूज़ आप जो देते हो ना सिर्फ बच्चों को गुमराह करने के लिए देते हो, अपने तो माइंड से डिस्टर्ब होते हो, पागल होते ही हो, और प्लस हमारे बच्चों को, हमारे प्रशिक्षकों को भी पागल करते हो, तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, धैर्य बनाइए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, निरंतरता ही एक तरह से सक्सेस का एक मार्ग खोलता है ना, तो निरंतरता बना के रखिए साथी, ये सब अगल बगल के कांटे फांटे आते रहते हैं, उसको इधर उधर करते रहो, मस्त तरीके से चलते रहो, रास्ता तो हम साफ ही कह रहे हैं, हम तो आगे आगे चल ही रहे हैं, बस आप पीछे पीछे चलते रहो, आपको मंजिल पे ले जाके छोड़कर, फिर आप कभी मत देखना, ना मन करे तो मत भूल जाना फिर है ना सारी चीज़, लेकिन आपको मंजिल पे पहुंचा के रहेंगे साथी, मस्त तरीके से लगे रहिए, आपके एग्जाम समय के अनुसार ही होंगे, और हो सकता है 16-17 तक आपके डेट शीट जो सब्जेक्टिव हैं वो आ जाएँ, ठीक है ना। प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु से हम यही कहना चाहते हैं भाई, प्रत्यावेदन वाले जो भी प्रशिक्षु हैं या अपने अपनी तकदीर खुद बना रहे हैं है
ना, पहली बार तो बैक लगाए 4 बार अपनी ही मर्जी से या फिर किसी कारणवश जो भी पीएनपी से लगाया हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका यूपीटेट सीटेट कई बार क्लियर कर लिए हो लेकिन उनका 4थी बार के लिए वो एग्जाम के लिए प्रत्यावेदन दिए हैं। तो जो प्रशिक्षु ये कहते हैं सर कि हम अपना जो रिसीविंग है कॉलेज में नहीं दिए हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मस्त, क्योंकि भैया देखिए रिसीविंग से क्या मतलब हमको, ना ही पीएनपी से मतलब है ना ही हमारे कॉलेज वाले से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। सीधे एससीईआरटी से ही आपका डेट पूरा नाम वाइज लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में जिसका इसका नाम रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं 400-500 क्योंकि हम आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहते। जितने प्रशिक्षु प्रत्यावेदन दिए हैं सबका एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं, प्रबल क्या निश्चित एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रशिक्षुओं की कम संख्या देखने को मिल सकती है। ऐसे में तभी हमने एक डेट तय किया है कि भाई जब पीएनपी एससीईआरटी से न्यूज़ निकल के आ ही रहा है कि भैया इस बार कम प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जुलाई के आसपास में जब डीएलएड 2019 बैच का फोर्थ सेमेस्टर और 2021 बैच का सेकंड सेमेस्टर जब करवाएंगे उस समय एग्जाम ले लेंगे उन लोग का जो बचे रहेंगे। तो ऐसे भाई जब एग्जाम आपको लेना ही है तो हमको क्यों परेशान कर रहे थे तुम 4-5 महीने 6-7 महीने भाई बताओ। तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग 16 तारीख को एससीईआरटी पहुंचेंगे और प्लस अपनी बातों को वहां पर रखेंगे सज्जन तरीके से, है ना, उनसे कहेंगे समझाएंगे सारी चीज़ें, कहेंगे सर जी जब हमारा एग्ज़ाम लेना ही है तो क्यों हमको एक तरह से प्रताड़ना, एक तरह से माइंड डिस्टर्ब प्लस डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ें हमको कितने सिचुएंट मेडिसिन खा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए क्योंकि आगामी बहुत सारी चीज़ दिक्कतें आने वाली हैं फेस करने वाले हैं आप लोग। तो मस्त तरीके से अपने कार्य पर निरंतरता बना करके साथ ही सारी चीज़ें संभव होंगी एक स्थिति में, ठीक है ना, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग। 16 तारीख को अगर जाना होगा जिन प्रशिक्षकों का, क्योंकि मार्ग प्रदर्शित कराने का हमारा जो मतलब है कि आप लोग जाकर वहाँ पर बात करेंगे तो आपके शायद सारी बातें वहाँ पर सुन ली जाएं। अगर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं थोड़े से बात करते हैं बेहतरीन तरीके से उनसे तो वह आप पर दया होकर या फिर किसी भी तरह साथी दया क्या हमने आपने निकाला है 4थी बार एग्जाम कराने के लिए तो कराइए भाई, हमने आपके अनुसार आपके नियम को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें दे दी। लेकिन ऐसे में जो प्रशिक्षु सेमेस्टर बैक है उनका एग्जाम इस बार नहीं होगा और जो भी डबल सेमेस्टर बैक है उनका तो डीएलएड ही रद्द हो गया, उनका एग्जाम होगा ही नहीं और डीएलएड कभी कर ही नहीं सकते, यह बोला गया है हमारे पीएनपी सचिव द्वारा। उनके द्वारा ऑप्शन है बहुत सारा कि बीएड कर ले हो, ठीक है ना। और स्कूटनी के रिजल्ट की बात कर लें, बहुत सारे अभ्यर्थी लेकर चिंता है भैया स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो स्कूटनी का रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों आपके आने वाले हैं 25 से पहले पहले, यह साफ साफ हमारे सचिव सर के बयान में सुना गया है, ठीक है ना, ऑडियो में। चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं, आप लोग अपने कमेंट ध्यान बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मतलब कि सच में आपके कमेंट लेते हैं तो हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं मित्रों। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं कि जो कि इस तरह की कमेंट करती हैं और उचित नहीं होता है ना, दूसरे देखेंगे तो क्या ही कहेंगे इस बात को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप लोग आपस में भी मारपीट कर लेते हो कमेंट में। देखिए पहला कमेंट हमने ले लिया भैया शिमला का, शिमला के करके हैं, तो शिमला के करके हैं भैया सर प्रत्यावेदन जिन जमा किए हैं एग्जाम होगा या नहीं, एग्जाम होगा कंफर्म एग्जाम होगा, घबराने की बात नहीं। केएम शिखा जी का कहना है मैं भी बहुत परेशान हूँ, परेशान प्रशिक्षु जितने भी प्रत्यावेदन दिए हैं ना सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे पता है ना कितने किस स्थिति से गुजर रहे हैं उनका, एक तरह से ना मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा उनको होगा सब चीज़ें, हम मतलब जो झेला होता है उस चीज़ को वही समझ सकता है ना, समझ रहे हो। लेकिन उभरना तो निश्चित है उस पूरे, कोई भी रोग हो साथी उसका तोड़ ऐसा है ही नहीं कि नहीं है, कोरोना जैसे ससुरा इतना बड़ा कोरोना मोना देख रहे थे, मोना उनकी डार्लिंग थी कोरोना की, मतलब इस तरह से कोरोना और मोना दोनों को मतलब जड़ से उखाड़ फेंकने का भारत ने बहुत बिजोड़ ब्यौरा बनाया कि नहीं बनाया, भले ही थोड़ा सा उनका अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन जो चीज़ें थी वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीज़ें एक तरह से रोकथाम वगैरह सब कुछ हुआ ना, आप कहीं सुनते हो कि मतलब फिर से लॉकडाउन लगा यह सारी चीज़ें, तो अब मुश्किल है क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं भविष्य में। और रह की बात सबका तोड़ है तो क्यों ऐसे घबराते हो, सभी का एग्जाम होगा। प्रियंका सिंह जी कहना है सर टेट में पास हैं पर डीएलएड सेकंड सेम में बैक है एक सब्जेक्ट में, तो भैया मान्य नहीं होगा प्रशिक्षु आपका, आप एक बार फिर से देंगी सेकंड सेमेस्टर पास होने के बाद, ठीक है ना। कुमारी शिखा जी का कहना है सर प्रत्यावेदन वालों के लिए कुछ कीजिए, भाई हम तो आपको बता ही रहे हैं, हम आपको देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु जैसे अलका यादव बहन जी एक हैं तो उनका कहना है सर हम आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से जुड़े और जो भी प्रशिक्षु देर से जुड़ते हैं वो पछताते हैं, इसी वजह से कहते हैं साथी कम से कम अपने भाई बहन का ध्यान रखिए, स्टेटस लगाइए, शेयर करिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए। साथ ही हर क्लास, हम एक क्लास की बात नहीं करते, जो सुबह आता है धाकड़ क्लास 9 बजे CDP की, जो बच्चा फॉलो कर रहा है ना तो हर एक एग्जाम क्लियर करेगा, यूपी टेट के फर्स्ट और सेकंड, सीटेट के फर्स्ट और सेकंड, सुपर टेट के पेपर, KBS के पेपर, DSSB के पेपर, जहाँ पे भी सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम महामैराथन लगाने वाले हैं, अभी तो एक एक सीरीज चल रहा है ना, अभी हम सीरीज लगाएंगे कम से कम 20-20 सीरीज लेकर चलेंगे, 20 सीरीज मतलब 20 सिद्धांत एक एक दिन में खत्म करेंगे इस तरह से। प्रियंका सिंह जी का कहना सर सीटेट साल में 2 बार होता है, हाँ जी सीटेट साल में 2 बार होता है और रिपीटेड साल में 1 बार होता है,
चित्रा चौधरी जी का कहना है नहीं भरवाए थे 2019 बैच वाले के। देखिए भाई कुछ प्रशिक्षु इस संशय में है कि 2019 बैच वालों का एक तरह से फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। तो सर फोर्थ सेमेस्टर के कहोगे भाई सही बात है, नहीं होगा फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम, मात्र आपका सेकंड और थर्ड के एग्जाम होंगे। जिन प्रशिक्षु का बैक है सेकंड में, सेकंड और प्लस थर्ड, भैया हमने रिकॉर्डिंग रखा है पीएनपी सचिव सर जी का, सचिव सर का रिकॉर्डिंग है, दो या तीन रिकॉर्डिंग है, आप आएंगे प्ले लिस्ट में ना, यह साफ साफ बात उनके मुंह से आप सुन लेंगे कि जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक है उनका सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे इस बार, और जिनका सेकंड सेमेस्टर पास है 2019 बैच वाले उनका केवल थर्ड सेमेस्टर होगा, और बाकी जितने बैच वाले हैं जिस भी सेम में सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है उनका एग्जाम होगा। जैसे 2019 बैच वाले जो इस बार फ्रेश हुआ था उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों का फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया, तो केवल उनका फोर्थ सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट का होगा पेपर जिसमें बैक लगा है, बाकी सब्जेक्ट के नहीं होंगे। बहुत सारे प्रश्न जो कह रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का भी देना पड़ेगा, ना ही भाई कहें आप फालतू का दिमाग का कचरा बना रहे हैं, अपना पढ़ाई करिए ना। राधिका वैष्णव जी का कहना है सर 3 मंथ्स पहले भरवाया लिए कॉलेज वालों को, हाँ भाई वो सारी चीज़ें तो हैं। रत्ना सिंह जी का कहना है सर, हाँ सर बताइए, बताया तो। पूनम जी मैं भी 2018 बैच से हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर में मैं 3 बार बैक है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है साथी। देखिए जितेंद्र पाल जी का कहना भी ये बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं हमें पता है, और इन्होंने जो कमेंट किया साथी आप घबराएं ना आपके एग्जाम होंगे, मैं भी 2018 बैच से हूँ सर जी, मेरा सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है, थर्ड सेमेस्टर में मैथ में बैक है। अच्छा आप तो बहुत बड़ी, देखिए इस स्थिति से गुजरने वाले जो आप बता रहे हो सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए आप पेपर देना चाहते हो, लेकिन अदर सेमेस्टर में आपका बैक नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में जब आपका बैक है तो ऐसे बहुत सारी जो उलझन है ना साथी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पीएनपी का मतलब एससीईआरटी से सीधे कहा गया है कि उन्हीं प्रशिक्षु का प्रत्यावेदन लिया जाएगा या फिर उन्हीं का एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, प्रत्यावेदन जो जमा किए हैं जिनका केवल एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक हो, मतलब 1 बार फ्रेश और 2 बार बैक हो, तो चौथी बार के लिए उन्हीं को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसे प्रशिक्षु को नहीं मिलेगा जो कि एक और सब्जेक्ट में बैक लेके बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले एक अप्लीकेशन देना होगा एससीईआरटी पर, देखिए कॉलेज वाले कुछ नहीं करेंगे, हम साफ साफ जो कहते हैं साथ ही साफ साफ आप सुन लो, कॉलेज वाले नहीं कुछ करेंगे, और कॉलेज में जाना भी नहीं है प्रत्यावेदन लेकर, आपको सीधे जाना है एससीईआरटी, आप वहाँ पर लिखित दीजिए और कई सारे लोग जाइए, एक दो लोग नहीं, जैसे कि ऐसे कंडीशन वाले जिनका कि 3 बार बैक है किसी में 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए एग्जाम देना चाहते हैं किसी एक सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट के, तो और जो लेकिन अदर सेमेस्टर के भी किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो ऐसे प्रशिक्षु अपना एक तरह से गुट बना लें, नहीं तो कहें तो हम एक ग्रुप बनाएं ऐसे प्रशिक्षुओं का कम से कम, नहीं तो उसमें बहुत सारे प्रशिक्षु आ जाते हैं, लगभग 150-200 बच्चे लगभग 256 के आसपास में किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे रह सकते हैं, है ना, तो लगभग 200 बच्चे भी हमारे पास हो जाते हैं, तो सीधा आप चलो पीएनपी मतलब एससीईआरटी, अगर एससीईआरटी पे नहीं सुनवाई होती तो सीधे आप चलोगे भैया कोर्ट, कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसी एक प्रशिक्षु थी जिनका चौथी बार भी बैक लगा दिया गया था, फिर वो प्रशिक्षु गई थी कोर्ट, 2015 बैच की थी वो, हमको बहुत पहले जब हम ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे तभी उनका कॉल आया था, हमने जब तब प्रत्यावेदन को लेके ही सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले उनका फोन मतलब फोन आया उनका, कहे कि भैया ऐसी बात, तो उनको हमने बोला भाई सीधे आप कोर्ट जाओ, अब उनका बात हो गया, मतलब एक तरह से उनका फॉर्म वगैरह भी मतलब एक तरह से पेपर भी दे लिए बहन जी, और बहुत अच्छे नंबर से मतलब उनका जो था सारी चीज़ें चौथी बार वाला उसको कॉपी निकलवाई, अब जाके वो पास भी हो गई है ना बता रही थी। तो भैया जितेंद्र जी, पूनम जी और कुमारी शिखा जी, ये तीनों लोग एक ही कमेंट के नीचे हैं और एक ही प्रोसेस मतलब एक ही दिक्कत इन सभी लोग को है, तो आप लोग घबराए नहीं, 16 तारीख को पहुंचिए, और जो प्रशिक्षु दो सब्जेक्ट में बैक हैं किसी एक में 3 बार है चौथी बार के लिए देना चाहते हैं, तो ऐसे प्रशिक्षु का अभी कोई सुनवाई नहीं होगा, उन लोग का तभी सुनवाई हो सकता है जब उनकी एक तरह से भीड़ जम जाए, कम से कम एक प्रशिक्षु थी खुद कमेंट करी थी कि सर मैं डाइट पर गई थी तो डाइट से पता चला है कि सर हमारे कॉलेज में या फिर हमारे पूरे डाइट में पूरे डीएलएड 2019 बैच और 18 बैच को मिलाकर मतलब 18 बैच को 17 बैच को मिलाकर लगभग 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका थर्ड मतलब 3 बार बैक तो है ही और किसी एक और सब्जेक्ट में बैक है, तो इस तरह के बच्चे हैं, आप घबराओ ना, जुटेंगे सभी लोग बस आप शेयर करते रहो कि इस प्लेटफॉर्म को सभी लोग फॉलो कर लें, ऐसे प्रशिक्षु हम ग्रुप बनाते हैं। आरएस ऑफिशियल सर मुझे भी 3-4 बैक एग्जाम देने हैं, 2 में भी 3 में भी 4 में भी, वाह क्या बात है, बहुत डिप्रेस्ड हूँ होगी। देखिए साथी ऐसे बच्चे जो इतने बैग लेके बैठ जाते हैं हमको समझ में नहीं आता कहाँ से बैग आते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन एक के बाद 2-3-4 क्या है भाई, पढ़ाई नहीं कर रहे हो सही से इसका मतलब। सर सुपर टेट के पहले एक बार यूपी टेट होने की उम्मीद है, रिप्लाई करिए। देखिए भाई बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है, घबराओ ना आप लोग, बस मस्ती के पढ़ाई करते रहो।
जी सर, प्रतिवेदन वालों के एग्जाम के बारे में कुछ बताएं। बताया तो रेणु जी, चित्रा चौधरी जी, मनीष गुप्ता, प्लीज़ सर कुछ कीजिए, मेरा बुकलेट नंबर ए था, मैं भूल गई और भरना मेरा एक तरह से देखिए इन्वॉल्व मतलब इनवैलिड वहाँ पर लिख के आ रहा है, जिससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। खैर सुपरटेट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सुपरटेट के पहले एक बार और साथी, अच्छा आपके रिजल्ट तो शो हो रहे हैं ना, ऐसे प्रशिक्षु जिनका सीरीज में गलत है फिर भी रिजल्ट अगर शो हो रहा है तो शायद ही इसमें कोई दिक्कत देखने को कहा जाए, और ना दो दिक्कत कुछ नहीं होगा, आप संशोधन करा सकते हैं अपने इस वाले में और जल्द ही हो जाएगा ऐसे ऐसे में। बस आपको यह याद रहना चाहिए कि आपका सीरीज कौन सा था, आप देख सकते हो यूपीटेट का बुकलेट आपके पास होगा, आप बुकलेट देख लीजिए कौन सा सीरीज है। जब संशोधन कराने ले जाएंगे आप अपने कॉलेज से पहले पता कर लीजिए ना तो सही, आप अपने डाइट पर जाइए, जिले जिस भी जिले संबंधित हैं, जहाँ पर जिस भी जिले में आपका निजी संस्थान है या फिर जिस भी जिले संबंधित हैं आप, उसके डाइट में जाइए वहाँ पर और अपना यह संशोधन करा लीजिए अभी से। जो भी प्रशिक्षु जिनके भी यूपी टेट में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी जैसे एससी एसटी को लेकर है और कैटेगरी और प्लस रिलीजियस है ना, इसको लेकर अगर गड़बड़ी है तो जाकर अभी से वो इंतजार ना करें सुपर टेट का कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो जब बोलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओ 6 महीने का समय है सही करा के आओ, तो उस समय का इंतजार ना करो, 6 महीने की जगह 8 महीना 1 साल भी लग सकता है, ऐसे में आप छंट सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अभी जाकर आप सही करा लो, अगर यह सोच रहे हो कि आगामी यूपी टेट से पहले सुपर टेट पहले आ जाएगा, लेकिन कम उम्मीद है, हमें तो कम उम्मीद लग रहा है कि पहले सुपर टेट होगा, क्योंकि हमको यही लग रहा है भाई पहले यूपी टेट ही होगा, तो आप लोग घबराए ना। और कमेंट है अंजलि यादव जी का कहना है थैंक यू सर जी, आपके आशीर्वाद से मेरा टेट निकल गया, बहुत अच्छा थैंक यू। रवि रवि रेड्डी जी का कहना है बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आपको रवि जी, 400 व्यूज हैं, बहुत बहुत थैंक यू साथी। अगर आप जैसे विचार वाले सच में अगर आ जाएं तो मेहनत करने वाला प्रशिक्षु सच में बहुत आगे रहता, सच बता रहे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। जय हिंद आपको। नए श्रीकांत मुजफ्फरनगर, थैंक यू भैया, देखो ये लोग सीडीपी के क्लास देखते हैं और मस्त तरीके से देख रहे हैं, थॉर्नडाइक वाला है और काफ़ी बच्चों ने देखा है, अभी नए नए थोड़े से हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं और बहुत फ्री क्लास लाइव मतलब एक तरह से ले सकते हैं पूरा डिटेल में, या नहीं कि थोड़े मोड़े बता दो फिर उसके बाद सारे क्लास को पेड कर दो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बस आप लोग अपने भाई बहन को इससे जोड़ते रहें, जो भी डीएलएड करने वाले हों, जो बीएड कर रहे हों, जो यूपी टेट सीटेट देने वाले हों या फिर दे दिए हों, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर करिए क्लास जो डेली 9 बजे आता है। अंजलि यादव जी थैंक यू भैया। दीपांशी सिंह जी, सर लेकिन एक गलती है बीएड वालों को प्राइमरी, ठीक है भाई ये तो वक्त ही बताएगा, अप्रैल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। किसका कमेंट छूट नहीं रहा है ना भाई, ना तो आप लोग कमेंट करने लगते हो, सर मेरा छूट गया। अंजलि वर्मा जी का कहना सर सुपर टेट के पहले, हाँ सारी चीज़ हमने बताया, तो अंजलि वर्मा जी सी टेट के नोटिफिकेशन कब तक आएंगे बता दिया भैया। हिमांशु वर्मा थैंक यू भैया आपको। सुमन यादव सर सी टेट के नोटिफिकेशन बताया तो प्रशिक्षु आपको लास्ट तक बने रहे तो बहुत अच्छी बात है आपको, आप सुने होंगे। अलका यादव जी, बहन जी आप परेशान ना हो, हाँ प्रणाम आपको भी भाई, भैया आपको भी बहुत प्रणाम। सारी चीज़ें हैं, देखिए प्रशिक्षु आप लगन से लगे रहिए, अगर आप लेट प्रत्यावेदन दिए हैं तो आपकी मुश्किल थोड़ी सी देखने को आप मिल सकते हैं, क्योंकि अब प्रत्यावेदन देने का कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप जाकर एक बार फिर से उनसे बात करते हो सारी चीज़ें कि सर अभी तक नहीं आया है, सर रिक्वेस्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि सबका हल है, ठीक है सभी का हल है, थोड़ी सी प्रयास करने में क्या ही जाता है, प्रयास कर लेंगे तो पसीना बहा लेंगे तो घट नहीं जाएंगे ना, और झुक जाएंगे ना तब भी कुछ होगा नहीं, उखड़ेगा नहीं। देखिए साथ झुकता हुआ है, देखिए किसके अंदर नहीं ताकत है, हम तो ये कहते हैं बहुत सारे प्रशिक्षु हैं मतलब कि अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, जो उनका सच में लैंग्वेज है, जो उनका संस्कार उनके फैमिली से मिला है, तो मतलब इस तरह से हमने अपने कुरकुरे को लेकर पूछा तो मतलब कि हम भी हमारा तो खून खौल गया इस तरह जब बोले, और सच में अगर उसको कोई बोल दे तो कहानी उसका समझ लो ना बहुत गुस्सा आ जाता है, उनको छोड़कर बोलो ना आप मुझसे अगर दुश्मनी तो मुझसे नहीं करो दुश्मनी, जो भी करना मुझसे करो, लेकिन अगर उनको बोलोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपको भी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होता है कि अपने काम से काम ध्यान दें, मस्त तरीके से पढ़ाई करें, दूसरे की बातों में इंटरफेयर करने से क्या ही फ़ायदा है बताओ, कोई फ़ायदा है कुछ नहीं, मस्त तरीके साथ ही, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला कि सर मतलब इस तरह से बातें उन्होंने किया तो हमने इनसे सॉरी भी बोला और प्लस माफ़ी भी मांगा, लेकिन यह नहीं कि अंदर से उबाल नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने संस्कारों में रहना है, प्लस कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं आदमी को जो कि झुका देती हैं, और हमेशा नहीं झुकना है ना, हमेशा नहीं झुकना है, यह तो चीज़ें हैं। कभी कभी जब आपको पता है कृष्ण भगवान प्लस कृष्ण भगवान के जो मामा के लड़के थे, आपको पता है कि जब 100 बार क्या नाम था शिवपाल ऐसे कुछ करके नाम था, जो 100 गाली तक बर्दाश्त करने को उन्होंने कहा था, उसके बाद 101 जहां हुआ तहां चक्र घुमाए, कहानी खत्म हो गया उनका, तो सबकी
स्थिति और समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है ना। हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन एक शिक्षक की नज़र से है तो शिक्षक ही बने रहेंगे आपके सामने। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जितने भी सब कुछ देना है हम सहन कर सकते हैं। शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो सब कुछ गलतियाँ भी ऑब्जर्व करके उसको अच्छाई बदल देता है, और प्लस जो भी उससे आप सीखते हो वो दूसरों को भी सिखाते हो। तो हमारे संस्कार आप लीजिए और अपने संस्कार को बांटिए लोगों से। प्लीज़ अपने संस्कार भी एक संयमित बनाकर रखें। नमस्कार।